शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी तहसील खनिया थाना में स्थित शासकीय चिकित्सालय, जहां दूर दराज के गांव से अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने लोग आते हैं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार हो चुका है। यहां एक और संपूर्ण शिवपुरी जिले में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रशासन कमर कसे है, तो दूसरी ओर खनिया थाना में शासकीय चिकित्सालय में कोई भी अधिकारी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। आसपास के ग्रामीण चिकित्सालय से डॉक्टरों को खनिया थाना चिकित्सालय में बैठा कर डॉक्टरों की भरपाई की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं। अनदेखी का आलम यह है कि दूर दराज से आने वाले गंभीर मरीज भी इलाज के अभाव में मजबूरी बस प्राइवेट चिकित्सालय में जाने को मजबूर हैं। यहाँ आर्थिक शोषण होता है, कई गरीबों को तो इलाज मिल पाना संभव नहीं हो पाता। यह स्थिति 2 महीने से बनी हुई है। इस पर संज्ञान लेने कोई भी आला अधिकारी तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में इलाज के लिए महिलाएं भी खनिया थाना चिकित्सालय जाती हैं, लेकिन उचित डॉक्टर ना होने की वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। नमस्कार, हम अभी खड़े हैं खनिया थाना चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय के सामने, और बड़े ही गंभीर विषय है इसको लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। खनिया थाना चिकित्सालय में आज की स्थिति में कोई भी डॉक्टर आधिकारिक तौर पर पदस्थ नहीं है। आसपास के जो छोटे चिकित्सालय हैं, ग्रामीण चिकित्सालय हैं, जैसे मोहारी चिकित्सालय या बामो चिकित्सालय, वहाँ से डॉक्टरों को बुलाकर इस चिकित्सालय को चलाया जा रहा है। यहाँ पर आधिकारिक तौर पर आज के समय में कोई भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले उन मरीजों को जो इलाज की उम्मीद में खनिया थाना तक आते हैं, और उन्हीं को यहाँ पर आके जब डॉक्टर या इलाज की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती तो उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, प्राइवेट चिकित्सालय में जाना पड़ता है, जहाँ पर उनके साथ में आर्थिक लूट होती है इलाज के नाम पर। और बड़ी ही सोचने वाली बात है कि पिछले 2 महीने से आधिकारिक तौर पर यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, और जिसकी सुध शायद किसी भी अधिकारी ने अभी तक नहीं ली है, और यह एक गंभीर विषय है जिसको लेकर हम आज आपके सामने आए हुए हैं। और हम आपको दिखाएंगे अस्पताल में जाकर कि कैसे अधिकतर डॉक्टरों के जो केबिन हैं वो बंद पड़े हुए हैं और उन पर ताले लटके हुए हैं। मेरे को पहले पूरा ट्रीटमेंट दवा सही से नहीं मिल पाई, अभी भी मैं दवा दिखा के आया हूँ तो मेरे को 1 शीशी उन्होंने बाहर की मेडिकल की लिखी है। मैंने पूछा सर ये डॉक्टर की पैसे होते तो मैं सरकारी अस्पताल में क्यों आता, तो उन्होंने कहा ये दवा तो आप बाहर से ले लो वरना यहाँ पे यही दवाई है। अच्छा, और डॉक्टर उपलब्ध हैं? डॉक्टर कभी पूरे उपलब्ध नहीं होते हैं, और महिला डॉक्टर तो यहाँ पर है ही नहीं है। अच्छा, महिला डॉक्टर है ही नहीं? है ही नहीं है। ये स्थिति कब से बनी हुई है अस्पताल में? ये सालों से बनी हुई है। वैसे अभी 2 महीने पहले तक तो महिला डॉक्टर थी यहाँ पे? कोई महिला डॉक्टर कभी आती है कभी नहीं आती है, कोई पक्का भुगतान नहीं है कि यहाँ के यहाँ पर आएँ और देखें। अभी आपने किसको दिखाया यहाँ पे? सगा तो नाम मालूम नहीं है मेरे लिए, अभी डॉक्टर को ही आए हैं उनको दिखाया मैंने।